दिल्ली कूच से पहले किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन, देश भर में आज ट्रैक्टर मार्च किया गया ऐलान। दिन भर ट्रैक्टर मार्च के बाद शाम में WTO का पुतला दहन करेंगे किसान, WTO क्विट डे का भी ऐलान किया गया। ट्रैक्टर मार्च में हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करेंगे किसान, एक तरफ का रोड चालू रहेगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी पुलिस चौकसी। पंजाब में अमृतसर से शंभू बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर निकालने की मांग। टिकरी बॉर्डर के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से भी बैरिगेट हटाने का काम शुरू, NH44 के सर्विस रोड पर चारों लेन को खोलेगी पुलिस, 13 फरवरी को किए गए थे बंद। MSP की लीगल गारंटी से महंगाई बढ़ेगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान। सरवन सिंह पंडेर ने मोदी सरकार को दिया सुझाव, कहा WTO की नीति के खेती को करना होगा बाहर, तभी किसानों का भला होगा। शराब घोटाला मामले में ईडी ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, भेजा 7वां समन। पिछले 6 समन के बाद भी जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए थे केजरीवाल, मामले में ईडी की याचिका पर कोर्ट में भी चल रही सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI ने BRS नेता के कविता को किया तलब, कविता ने लिखी चिट्ठी, व्यस्त होने की वजह से आज जांच में सहयोग नहीं दे पाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के फैसले को दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिला कोर्ट ने 30 साल बाद हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, एक मस्जिद खो चुके हैं, अब कोई दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। INLD के नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड में CCTV तस्वीर सामने आई, कार में जाते कैमरे में कैद हुए हत्यारे। हरियाणा में INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या, बहादुरगढ़ में बदमाशों ने मारी गोली, हमले में एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत। बराही फाटक के पास I-10 कार में आए थे हमलावर, नफे सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। नफे सिंह राठी की हत्या पर झज्जर के SP अर्पित जैन ने कहा, 2 DSP जांच में शामिल, जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाया जाएगा। SP अर्पित जैन का बयान, बोले कि फिलहाल हमें 4 हमलावरों के बारे में पता चला है, अगर और भी लोग शामिल हैं तो उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने पूरी घटना पर जताया दुख, बोले नफे सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वारदात में शामिल एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, नफे राठी की हत्या दुखद, मामले में जल्द कार्रवाई का दिया आदेश। अभय चौटाला ने घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बोले कि नफे सिंह ने मुझे 6 महीने पहले बताया था कि उनकी जान को खतरा है। अभय चौटाला ने पूरे मामले की CBI जांच मांग की, बोले सरकार लॉरेंस गैंग का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, पूछा अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी घटना को बताया दुखद, बोले कि इससे साफ पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। आप नेता सुशील गुप्ता बोले, हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्या CM खट्टर सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहेंगे। पीएम मोदी आज 41,000 करोड़ की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, 2,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे, 19,000 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी आज भारत टेक्स 2024 का भी उद्घाटन करेंगे, दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ा ग्लोबल कार्यक्रम। पीएम मोदी ने देश को समर्पित के 5 एम्स, राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी में एम्स की शुरुआत। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कि गांधी परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की है, मैंने एम्स बनाने का वादा पूरा किया। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी का बयान, रायबरेली एम्स नामदार और कामदार के फर्क को बताता है। स्मृति ईरानी का दावा, इस बार रायबरेली में भी खिलेगा कमल, BJP की बंपर जीत होगी। पीएम ने रविवार को समुद्र में डुबकी लगाकर पुरानी द्वारका के दर्शन, शीश झुकाकर नमन किया, अनुभव को बताया दिव्य। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाया है, विपक्ष मुझे गाली देने का शौकीन। पिछली सरकारों की शक्ति घोटाले दबाने की थी और अब हर तरह के घोटाले बंद हो गए हैं, पीएम का बयान। पीएम मोदी के 2 मार्च के बिहार दौरे को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बिहार समेत पूरे देश में गूंजेगी उनकी आवाज। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में प्रचार रथ निकालेगी बीजेपी, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। MP के खजुराहो में अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा कि बीजेपी ने MP को बीमारू राज्य निकाला। अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने जो कहा वो किया, राम मंदिर बनाया, अनुच्छेद 370 हटाया, 3 तलाक को खत्म किया। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले RLD का BJP को समर्थन का ऐलान, राज्य की 10 सीटों के लिए होगा मतदान। RLD विधायक आज CM योगी से करेंगे मुलाकात, योगी ने आज सहयोगी दलों के विधायकों की बुलाई है बैठक। मथुरा में RLD विधायकों की हुई बैठक, जयंत चौधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बात। आगरा में SP चीफ अखिलेश यादव न्याय यात्रा में हुए शामिल, लोगों को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। राहुल गांधी ने कहा, देश से नफरत मिटाना हमारा पहला एजेंडा, हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि गरीब किसान
किसान और युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती। न्याय यात्रा, बेरोजगारों, किसानों समेत तमाम वंचितों की बनी आवाज, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने छोड़ी पार्टी, अब बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले रितेश पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए बीजेपी में शामिल। रितेश पांडे के बीजेपी में जाने पर भड़की मायावती, कहा कि हमारी कार्यशैली पूंजीवादी पार्टियों से अलग। रितेश पांडे को लेकर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, बीजेपी में शामिल होने वाले सत्ता के लालची। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किसान रैली को किया संबोधित, कहा कि देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने पीएम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीतेगी। आज उत्तराखंड बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी बैठक, पांचों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज चार सभाओं को करेंगे संबोधित, जनविश्वास यात्रा के तहत आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज दमन और दीप गृह मंत्री मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लाभार्थी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, सुबह 11 बजे गवर्नर के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र भी आज से शुरू होगा, 1 मार्च तक चलेगा। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट ने खुद लिया है संज्ञान, जताई थी नाराजगी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने संदेश खाली पहुंचे फैक्ट फाइंडिंग टीम को बीजेपी का कैडर बताया, कहा कि ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बंगाल के दो मंत्रियों ने संदेश खाली का किया दौरा, स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का जाना। अडवाणी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की कोर्ट में पेशी, सेशंस कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। ईडी ने हीरा नंदानी ग्रुप के प्रमोटर और उनके बेटे को ईडी पूछताछ के लिए बुलाया, फेमा से जुड़ा मामला। यूपी पेपर लीक में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन, नीरज यादव से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ। नीरज यादव से पूछताछ में मथुरा के शख्स उपाध्याय का नाम सामने आया और गाजियाबाद से गिरफ्तार चार लोगों से पूछताछ। नकल माफिया को सीएम योगी की चेतावनी, कहा कि ऐसा एक्शन होगा कि नजीर बनेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, यूसीसी ने सभी को समानता का दिया अधिकार। देहरादून में सीएम धामी ने फिल्म आर्टिकल 370 देखी, सीएम के सहयोगी मंत्री भी साथ थे। बिहार के कैमूर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार और कंटेनर की टक्कर में 9 लोगों की मौत। बाइक सवार को बचाने के दौरान कार हुई बेकाबू, कंटेनर से टकराने से कार के फड़कच्चे उड़े। जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 5 मजदूरों की मौत, 2 घायल। 24 फरवरी को दिल्ली में जापानी नागरिक से लूट का मामला, पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में कार चालक ने एक युवक को कुचलने की कोशिश की, बोनट पर 3 किलोमीटर तक घुमाया। ओडिशा के बालंगीर में गोला बारूद कारखाने में विस्फोट, जिसके बाद काफी दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। दिल्ली में शबे बारात को देखते हुए आईटीओ से दिल्ली गेट तक पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह गई गाड़ियां चेकिंग की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में मनाए गए शबे बारात, बड़े पैमाने पर आए लोगों ने दुआ मांगी। अयोध्या में सुबह से उमड़ने लगी भक्तों की भारी भीड़, राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। असम के नौगांव में मुख्यमंत्री और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा ने नए इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, बैडमिंटन खेलते भी नजर आए। रांची टेस्ट के चौथे दिन भारत को जीत के लिए 152 रन की जरूरत, दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 40 रन बनाए, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर मौजूद। तीसरे दिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई, रोहित 24 और यशस्वी ने 16 रन बनाए। अश्विन कुलदीप की फिरकी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज हुए ढेर, दूसरी पारी में टीम 145 रनों पर सिमटी। पहली पारी में शतक लगाने वाले जो रूट दूसरी पारी में फ्लॉप रहे, सिर्फ 11 रन पर पवेलियन लौटे, ओली पोप और ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन खाता तक नहीं खोल पाए। रांची टेस्ट की दूसरी पारी में अश्विन ने इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके, कुलदीप यादव को 4 और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। रविचंद्रन अश्विन भारतीय पिचों पर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, 353 टेस्ट विकेट पूरे कर अश्विन ने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने की कुलदीप यादव की तारीफ, कुलदीप यादव की शेन वॉन से की तुलना। ध्रुव जुरेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला टेस्ट अर्धशतक जड़ा, मुश्किल हालातों में भी टीम के लिए 90 रन की शानदार पारी खेली, सुनील गावस्कर ने धोनी से तुलना की। इंडियन स्वीट प्रीमियर लीग की नीलामी के दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपने पुराने दिनों को याद किया, कहा शॉर्टकट से नहीं मिली कामयाबी, कड़ी मेहनत के बाद टीम में मिली जगह।